ये कौन है यार जो सुबह सुबह तंग कर रहा है? हमें लगता है उठना ही पड़ेगा अब तो। इसकी डोरबेल नहीं सुनती तुझे? डोर खोल जाके मुझे उठना पड़ेगा। सुबह सुबह तंग कर रहा है। ये क्या तोहफा तो लग नहीं रहा, पर साला मुझे भेजेगा भी कौन? और ये पोस्टमैन ऐसे ही छोड़ के चला गया? सारे की बताता हूँ उसको। देखता हूँ खोल के आखिर है क्या स्पेशल इस बॉक्स में। अरे हेडफोन, तो ये किसने भेजे होंगे? आई डोंट थिंक सो कि मेरा कोई दोस्त या और कोई होगा। और क्या, अरे एक लेटर भी है इस बॉक्स में। देखता हूँ लेटर में क्या है, शायद भेजने वाले ने अपना नाम ही लिखा हो। डियर कविश, अगर तू ये लेटर पढ़ रहा है तो भाई तब तक मैं इस दुनिया को अलविदा कह चुका हूं। है? अभी ये कौन है? आगे पढ़ता हूं। देख, शायद से तू विश्वास ना कर पाए पर ये सच है। मैं जो करने जा रहा था वो बहुत ही खौफनाक था। फिर भाई ऐसे कौन बंदा है जो मुझे लेटर भेज रहा है? और जो मैंने सोचा वो एक पल के लिए हो भी गया, पर अचानक कुछ हुआ और सब खत्म। ये लेटर मैं तब लिख रहा हूँ जब मेरे और मौत के बीच केवल एक मिनट का फासला रह गया है। मैं तुझे अपनी आखिरी निशानी मेरे हेडफोन भेज रहा हूँ। मेरे घर वालों को दे देना और मेरा ये सच बता देना। तेरा दोस्त राघव। राघव, ओह माय गॉड, अला पैरानॉर्मल राघव फिर किसी भूत को ढूंढ रहा होगा साला। कितनी बारी मना किया था, मरेगा किसी दिन। पर क्या ये लेटर सच भी है? कैसे कंफर्म करूं? उसके घर वालों को कॉल करूं? नहीं यार, पर पता तो लगाना होगा, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। तब तक इसे संभाल के रख देता हूं, शायद कभी काम ही आ जाए। सरदर्द क्यों हो रहा है? आगे तो कभी ऐसा नहीं हुआ इतना सरदर्द। ये इतना सरदर्द क्यों हो रहा है? स्ट्रेस भी तो नहीं है कोई, फिर भी इतना सरदर्द। परेशान हो चुका हूं मैं। ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने मुझे पकड़ रखा हो? ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने मुझे पकड़ रखा है?
मैं जमीन पे, मैं जमीन पे कैसे आया? और ये इतना दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है किसी ने तबीयत से खातिरदारी की है मेरी। घर में घुसा कौन और कब? ये दिन दिहाड़े मेरे घर में घुसा कौन जिसने मेरा ये हाल कर दिया? मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन किसने तोड़ दिया? पता लगाना होगा कि आखिर हुआ क्या था। समझ जो कोई भी होगा उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। अच्छा सिखाऊंगा। अब कौन आया होगा? इस बार भी कोई नहीं है। ये कौन है जो बार बार घंटी बजाकर भाग जाता है? इसका भी पता लगाना होगा। अरे ये क्या है? लग तो कुछ लेटर जैसा रहा है। एक और लेटर। ये साला मोबाइल के जमाने में लेटर भेज कौन रहा है? खैर पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्या पता इसमें भी कोई क्लू हो। ये लेटर का राज क्या है वो तो ये लेटर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। मैं कौन हूं, ये लेटर क्यों भेज रहा हूं, ये जानने का समय तेरे पास नहीं है क्योंकि तेरी घड़ी अब उल्टी गिनती पकड़ चुकी है। अगर मेरी बात मानेगा तो इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाएगा। इस प्रॉब्लम से बाहर तुझे सिर्फ एक ही बंदा निकाल सकता है जिसका नाम है विराज। विराज? पर विराज मेरी हेल्प कैसे कर सकता है? वैसे भी वो जेल में होगा, इतनी जल्दी तो वो रिहा नहीं हो सकता। पर वो मेरी हेल्प क्यों करेगा? पर शायद वो मेरे किसी काम ही आ जाए। राव साहब से कंफर्म करता हूँ। ओ गुलामी ना होवे देख किसे साड़े की सुन तेरे यार राव साहब है। ओ तेरे शहर महल का बजे राव साहब का चोरी बेहिसाब का कती आर पार का रेड ट्रेंड भी चले देख मारे ब्रांड का तोड़ना कोई बेटा सुन या तो ब्रांड का तेरे शहर महल का बजे राव साहब का चोरी बे। हेलो हाँ जी राव साहब, क्या हाल है? कविश बोल रहा हूँ जिसने 5 साल पहले आपको आपका पहला केस दिया था। हाँ हाँ मुझे याद है, वो केस मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसी केस की वजह से तो मेरी प्रमोशन क्राइम ब्रांच में हुई थी। अरे वाह सर, फिर तो पार्टी बनती है। सब बिहारी जी की कृपा है। तुम बताओ तुमने क्यों कॉल किया, कोई इमरजेंसी? इमरजेंसी तो है सर, इमरजेंसी तो है, सब आपको बताता हूँ मैं। तो हुआ ऐसे कि ये हुआ सर, अब आपको समझ आया कि मैंने आपको क्यों कॉल की है। तुम जो ये बोल रहे हो ना, इस पे मुझे एक रत्ती भर विश्वास नहीं है। कि रही विराज की बात, उसे जेल से रिहा हुए 5 महीने हो चुके हैं, उस मनुष के जाने के बाद ही तो मेरी पोस्टिंग क्राइम ब्रांच में हुई है। ओह तो मतलब 5 महीने से वो आजाद घूम रहा है। सर आपके पास उसका कोई फोन नंबर या कोई एड्रेस कोई कुछ तो होगा? नहीं वो सब तो नहीं है मेरे पास, पर तुम्हारे काम की एक चीज है मेरे पास। तो बताइए ना सर, जल्दी बताइए। ये बात मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता पाऊंगा, कम एंड मीट मी, व्हाट्सएप पे मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ। फिर 1 घंटे में मैं आता हूँ आपसे मिलने। जय हिंद। अब ये फसाद की जड़ को राव साहब ही खत्म करेंगे।
जल्दी जाना होगा, राव साहब आ जाए। जल्दी जाता हूँ। क्यों नहीं अभी तक? साहब क्या हाल है? बढ़िया, आप बताइए। जलवे हैं आपके तरफ साहब? आप जैसे हैं तो भाई जलवे तो होंगे ही। ठीक है, और बताइए। बस आपने बहुत जरूरी बात मुझे बतानी थी। बताइए क्या बात है विराज के बारे में? जल्दी बताइए राव साहब, बात क्या है? दरअसल जब विराज जेल में था ना, तो उसी जेल में उस दौरान तांत्रिक भी था। तांत्रिक को हमने ना बच्चे की बलि देते वक्त खुद ही रंगे हाथ पकड़ा था। उस तांत्रिक को ना काले जादू का पूरा ज्ञान था। तो इस चीज़ से मेरी प्रॉब्लम कहाँ रिलेट करती है राव साहब? मरने से पहले वो अपनी सारी शक्तियाँ ना विराज को दे गया था। ओह, तो ये बात है। मुझे लगता है तेरी जो प्रॉब्लम है का हल भी विराज है और जड़ भी विराज है। जड़ भी और हल भी, मैं मतलब समझ गया आपका राव साहब। शायद वो बदले की भावना से मुझ पे काला जादू कर रहा हो, और शायद इसी विद्या से वो मुझे इस काले जादू से बचा भी पाए। समझ गया मैं आपका मतलब राव साहब। एग्जैक्टली, मेरा भी कहने का यही मतलब था। अब मुझे समझ आया ये सब। अब वो जड़ है या वो हल है, ये तो उसको कॉल करने के बाद ही पता चलेगा।